आखिरी 4 से 5 मिनट में जरा जल्दी जल्दी बहुत सी चीज़ें जो रह गई हैं पूछना चाह रही हूँ कि रऊफ हसन साहब जो इनके जो भारतीय सहाफ़ी के साथ जो चैट लीक हुई है उसको आप कैसे देखते हैं राहुल रॉय के साथ, जिस किस्म की वो बातें करता है वो सहाफ़ी? सहाफ़ियों से किसका ताल्लुक नहीं है, मतलब जो भी लोग कर रहे हैं मीडिया से करेंगे तो उनका ताल्लुक नहीं होगा, तो हमारा इंडिया में बैठा कोई साफ़ी आपको फैसिलिटेट भी कर सकता है वीजा फैसिलिटीज के लिए? नहीं, वो क्या मतलब होना है, कॉन्फ्रेंस में, मुताबिक कॉन्फ्रेंस में अगर कोई बुलाएगा तो आप कॉन्फ्रेंस में अपने किसी दोस्त को इंडिया से बुलाएंगी तो आप कहेंगे ना कि मैं बात करती हूँ, हो सकता है मैं तुम्हारा वीजा लगवा दूँ, पता नहीं कौन आपकी नज़र में सिर्फ दोस्ती आ रही है, कुछ भी नहीं है। रऊफ हसन देखे मेरे ख्याल में वो बिल्कुल एक अहमक आदमी है, उसमें कोई अकल नहीं है। रऊफ हसन अहमक आदमी है, मैं ये कह रहा हूँ कि उनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मुल्क दुश्मन तो नहीं है ना, ये तो हमें बहुत ही मैं समझता हूँ कि ज्यादती पे मबनी कैंपेन है, उसको ना पॉलिटिक्स का पता है ना उसको कुछ और पता है, वो तो बस आपने अनफॉर्चुनेट है कि आप उसकी चैट्स जो हैं वो रोज़ टीवी पे चलाते हैं और आप कहते हैं कि इससे आप नैरेटिव बन रहे हैं, ये जो भी नैरेटिव बना रहे हैं ना उनको कुछ नैरेटिव में कुछ सीखने की ज़रूरत है, दे नीड टू, मैं मेरा ख्याल है उन्हें कोई लेक्चर ले लें कुछ लोगों से जो कि नैरेटिव मेकिंग करते हैं बनाते हैं, तबाह कर रहे हैं अपने आप को, खुद भी तबाह हो रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है और रऊफ हसन को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और अलीमीन गंडापुर साहब इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं उनको कैसे देखते हैं? अलीमीन गंडापुर ने क्या स्टेटमेंट दिया? अलीमीन कह रहे हैं कुछ ना कुछ कहते हैं, वो देखें वो कह रहा है कि बेसिकली वो देखो प्रॉब्लम है वहाँ पे रोज़ उनके बच्चे मर रहे हैं, रोज़ शहीद हो रहे हैं, हमारे फौज के सिपाही शहीद हो रहे हैं, दे आर डेस्परेट फॉर सम सोल्यूशन। और उसने कहा अगर आप पूरा क्लिप उनका देखें वो कह रहे हैं कि जी मैंने पहले दिन कह रहा हूँ दूसरे दिन कह रहा हूँ कि हमें कोई हल दें, कोई बात करें, कोई आगे चले, कोई उनके सुन ही नहीं रहा, वो क्या करें। अच्छा 9 मई के हवाले से क्या देखते हैं, जो 9 मई के किरदार हैं वो कैफले किरदार तक पहुंचना चाहिए क्योंकि पीटीआई के लोग कहते हैं कि जी इसने करवाया उसने करवाया, वहाँ पे तो मोहसिन नकवी साहब का नाम ले देते हैं लोग। देखिए जी 9 मई अब हो गया है, लोग 16 महीने जेलों में रह गए हैं, अब और क्या उसको क्या उसमें से निकालना है, आप देखें आगे जो खान साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए 9 मई पे आपके मुताबिक, देखें फिर वो कहेंगे कि 9 फरवरी पे कौन माफ़ी मांगेगा, ये माफिया मूफियों में क्या, बस तलखियाँ नीचे लाएं पाकिस्तान में, टेम्परेचर नीचे लाएं, पाकिस्तान को बहाल करें, पॉलिटिक्स को जो है नॉर्मलाइज करें, अब इमरान खान को इंक्लूजन के बगैर पाकिस्तान नॉर्मल नहीं हो सकता, ये जितनी जल्दी हम समझ जाए उतनी जल्दी अच्छा है, और नुकसान कर रहे हैं अपना, पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, बेड़ा गर्क कर दिया। और कैसे कम हो गए टेम्परेचर? टेम्परेचर तो एस्टैब्लिशमेंट ने कम करना है, एस्टैब्लिशमेंट आज इमरान खान को आप ए उसके अगर आपने रिलीज़ नहीं करना फौरी तौर पे, आप उनको जो प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का राइट है उनको आप शिफ्ट करें ए क्लास में, उनकी बेगम को जाली केसेस में पकड़ा हुआ उनको रिलीज़ करें और फिर एक इंक्लूजन एक ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग का आगाज़ करें, अगर आपने फौरी इलेक्शन नहीं कराने हैं तो इमरान खान को कन्विंस करें कि ये रिफॉर्म ज़रूरी है। कब तक खान साहब को बहराता देख रहे हैं? ये तो एक बड़ी तहरीक ही होगी तो इमरान खान बाहर आएंगे। क्या ये जो कल तहरीक शुरू हो रही है वो उस तहरीक में कन्वर्ट हो सकती है? हो सकते हैं, उसमें बड़ा परसेंट चांसेस है, बहुत पोटेंशियल है उसमें, अगले मुझे लगता है 1 हफ्ता आप इंतजार करें आप देखें उसमें बहुत पोटेंशियल। और ये जो तहरीक है जो वुकला की शुरू होने जा रही है, वुकला ही की बात कर रहा हूँ मैं, वही कह रही हूँ इसी तहरीक में इतना पोटेंशियल होगा कि आप ये कह रहे हैं कि 1 हफ्ते इंतजार करें और यही तहरीक इमरान खान को बाहर लाने में किरदार अदा कर सकती है, किरदार अदा कर सकती है, बहुत बहुत बड़ी तहरीक हो सकती है। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।